काम हरमू में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। सोमवार को हरमू में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने कहा कि आज राज्य में कमीशनखोरी हावी है। जो बेटा अपनी बाप का बात ना सुनता हो वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता, केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता। आप लोग नहीं छापा था कि गुरु जी ने कहा 19 का 32 का खतियान लागू करना होगा। 2 साल हो गए गुरु जी का बात मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी। गुरु जी ने एक और अभी सोराय भवन जिसमें मामला पैक चल रहा, जीएमएम का अधिवेशन हुआ था, गुरु जी ने कहा योजना बनाओ गांव में। हमने योजना बनाया था गुरु जी का, जो भी था हमने पालन किया था। आज तक कई योजना गांव में बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो जो बेटा जो गुरु जी के कारण आप गद्दी पाया हो अपनी बाप को बात नहीं सुन रहा। अरे चापलूस लोग बैठे हुए जेएमएम के लोग खाली एक परिवार की भक्ति में लगे हुए, चापलूसी करके अपना पत्नी जो इलाहाबाद में पढ़ लिख रही थी काम, उसको लाके यहाँ जैक में नौकरी दे दिया। यहाँ जैक में नहीं था कोई, क्या यहाँ का झारखंड वासी कौन है जैक में, कौन कौन लोग है कोई एक भी बताओ, आदिवासी मूलवासी है जैक में, एक जेपीएससी में। झारखंड मूर्ति मूर्ता चापलूस लोग मुंह बंद रखो। रघुवर दास जब खोलेगा ना क्या क्यों गुरु जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, थूकेगा संथाल की जनता। नहीं देखिए हमें लगता है कि वो तो रघुवर दास जी को जब लगा कि मैं उनका बेटा बन करके जो है इस राज्य के लोगों को गुमराह करूं, उन्होंने वो भी प्रयास किया था, लेकिन लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया, कहा कि धूर्त कभी बेटा नहीं हो सकता। और वो उनका उनका घरेलू मामला है, और वो जो कहते हैं कि पिताजी की बात नहीं सुनते हैं, तो शायद अब आजकल संपर्क में होंगे पिताजी के कि कब हमारा यहाँ कुछ भला हो जाए तो वहीं आ जाएं, तो संपर्क में होंगे तो उनको पता होगा ज़्यादा। ये बहुत हल्की बातें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अभी से भी आग्रह है कि आप इन्हीं बतकही या बतोलेबाजी के कारण सड़क सत्ता से सड़क पर आ गए हैं। अब कम से कम अपने में गंभीरता लाइए। आप मुख्यमंत्री थे, आप उस पद पर गंभीरता नहीं ले पाए, नहीं ला पाए, तो अब क्या लाएंगे। एक पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए कोई बात करना चाहिए, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कोई बात बोल रहे हों, चाहे अपनी जुबा से कोई बात रख रहे हों, तो एक मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है पूर्व मुख्यमंत्री पद की, उसको बरकरार रखते हुए बोले तो ज्यादा अच्छा हो। रघुवर दास जी एक बात और कहें कि उनके समय में कोई दंगा नहीं हुआ था, लेकिन ये सरकार